वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 मतलब क्या? गरम गरम जलेबियाँ। देखो बच्चों, शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, नीचे हमें जो भी दिया हुआ है प्रॉब्लम के तौर पर, उसे हम क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, उस फॉर्म में हम इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका क्या है बच्चों, जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो बच्चों, ये ब्रेथ है, इसको मैंने एक्स ठान लिया, ये वाला हम क्या करेंगे बच्चों, लेंथ ठान लेंगे। तो लेंथ कितना होगा बच्चों, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ जितना था उसका ट्वाइस से एक ज़्यादा, मतलब ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर एंड द लेंथ बी ट्वाइस एक्स प्लस वन मीटर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, एज पर क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ हमें क्या कहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो बच्चों, लेंथ इसका कितना है, लेंथ ट्वाइस एक्स प्लस वन, इसके साथ हम क्या इंटू करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, उसका ब्रेथ एक्स, इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 528। अब देखो बच्चों, ट्वाइस एक्स इंटू एक्स डेट मीन्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स एक्स इक्वल टू 528। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 528 को इधर ले आओ, माइनस 528 इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, यही तो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, आप लोग खुद देखो ये इस वाले फॉर्म में है कि नहीं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, फिर ए नॉट इक्वल टू जीरो, इस वाले फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही करना है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे बच्चों? वेरी गुड। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंजुकेटिव पॉजिटिव नंबर्स, टू कंजुकेटिव पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कंजुकेटिव मीन्स पहले से दूसरा वाला एक ज़्यादा। ठीक है बच्चों, हम दो कंजुकेटिव नंबर एज्यूम कर लेते हैं, कंजुकेटिव नंबर क्या होते हैं बच्चों, पहले से दूसरा वाला कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा। ठीक है, तो एज्यूम कर लेंगे, लेट द टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, एज पर क्वेश्चन हमें क्या कहा है, दोनों कंजुकेटिव नंबर का क्या है, प्रोडक्ट कितना है, 306, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस वन, दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 306, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 306 है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ले जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू वन एक्स इक्वल टू 306। अब इसी को हम कौन से फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306, उसको 306 को हमने इधर ले आए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यही तो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, और हमें यही तो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, समझे, ये कौन से फॉर्म में है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, वन है, बी क्या है, एक्स का कॉफिशियंट वन है, और सी क्या है, माइनस 306, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे बच्चों? वेरी गुड। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे बच्चों, रोहन की माँ क्या है, रोहन से 26 ईयर्स 26 ईयर्स क्या है बड़ी बच्चों, बड़ी है। तो हमें पता नहीं कि रोहन्स का प्रेजेंट एज कितना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स बी एक्स ईयर्स।
तो बच्चों उसकी माँ का प्रेजेंट एज क्या होगा? रोहन का प्रेजेंट एज जितना है उसके साथ हम क्या कर देंगे, 26 को प्लस कर देंगे। क्यों? वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ठीक है बच्चों, एज पर प्रोडक्ट हमें क्या कहा है? देखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब उसका एज प्रेजेंट एज जितना है उसके साथ 3 जोड़ दो, 3 साल बाद। ठीक है बच्चों, उसकी मदर का क्या है प्रेजेंट एज? एक्स प्लस 26, उसके साथ भी 3 जोड़ दो, 3 साल बाद। मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों? 360। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स प्लस 3 यहाँ लिखेंगे बच्चों, एक्स प्लस 26 प्लस 3 29 इक्वल टू 360। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा, हम क्या करेंगे x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 29 इंटू एक्स 29x प्लस है प्लस है प्लस। ठीक है बच्चों, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x के साथ, थ्राइस x, फिर प्लस है प्लस है प्लस, 3 इंटू 29 कितना होगा बच्चों? 87 इक्वल टू 360। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वेयर 29x प्लस 3x, सिमिलर टर्म हम क्या करेंगे बच्चों ऐड कर देंगे, मतलब 32x 87, 360 को इधर ले आओ बच्चों, माइनस पे हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस का 87 माइनस का 360 के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये कौन से फॉर्म में है बच्चों? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे बच्चों? वेरी गुड। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन क्या करता है, 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करता है। ठीक है बच्चों, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता, कम होता, तो क्या होता बच्चों, वो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना वक्त लगता है? 3 आवर्स ज़्यादा लगता। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बच्चों, हमें ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। तो देखो बच्चों, हमें ट्रेन का स्पीड मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों, हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल क्या है बच्चों? स्पीड इक्वल टू हम कहेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चों, देखो टाइम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना बच्चों, उसको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, एज पर क्वेश्चन डिस्टेंस कितना है बच्चों? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस। स्पीड कितना है बच्चों ट्रेन का? x। अगर ट्रेन का स्पीड, ठीक है बच्चों, 8 किलोमीटर लेस होता, कम होता, मतलब स्पीड से हम माइनस करेंगे ना स्पीड को, कम होता, तो कितना वही डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना स्पीड लेना पड़ता है उसको? x। तो उसे टाइम कितना लगता बच्चों? 3 आवर्स मोर लगता है, ज़्यादा लगता है, इक्वल टू 3। इस तरह से हमें पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस एट। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है बच्चों? अगर उसका स्पीड मतलब इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर लेस होता, लेस का मतलब क्या होता है बच्चों? माइनस। देखो बच्चों, डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है? 480। तो उसे कितना टाइम ज़्यादा लगता है बच्चों? 3 आवर्स। 3 क्या है? टाइम है। 3 आवर्स क्या है बच्चों? टाइम है, इसीलिए हमें टाइम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसका जो पहला वाला टाइम था क्या? 480 डिवाइड बाई एक्स, डिस्टेंस बाय टाइम, उसको हमने माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक्स माइनस एट और एक्स का एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स माइनस एट इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, एक्स माइनस एट से एक्स माइनस एट को कैंसिल आउट, एक्स जाके 480 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स माइनस एट 480 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे देखो बच्चों, 480x माइनस
480x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए माइनस सेवन से प्लस, 480 इंटू 8 कितना होता बच्चों 3840, मल्टीप्लाई आप कर लेना। अब क्या होगा बच्चों, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x है बच्चों, ठीक है, 480 इंटू एक्स। देखो बच्चों ये दोनों टर्म सिमिलर टर्म है, कैंसिल आउट हो गया, 3840 इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों यहाँ से, थ्राइस एक्स इंटू एक्स, डेट मीन्स 3x स्क्वेयर, प्लस है माइनस से माइनस, 83 जा 24x, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हम इसे कह सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 24x, 3840 को उधर ले जाओ मतलब माइनस में चला जाएगा, 3840 इधर क्या रह जाएगा बच्चों, जीरो, उस जीरो को हमने इधर ले लिया। यहाँ देखो बच्चों हर टर्म को 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 83 जा 24x, अगर 3 से हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो 1280 हो जाएगा, आप डिवाइड करके खुद से देख लेना, ठीक है बच्चों। ए वाला टर्म, ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा टर्म कौन से फॉर्म में है बच्चों, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए वाले फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। तो बच्चों भूलना नहीं, भूलना क्या, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियोज, वी विल मीट अगेन, टिल द टाइम गुड बाय।